नमस्कार। स्पॉटलाइट हरियाणा का ये एक ख़ास एपिसोड है। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तमाम बातें करती हैं, तमाम दावे करती है, और सरकार का ये कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, बेटियों की भलाई के लिए तमाम कयास के मतलब जो क्या बोलते हैं कि प्रयास किए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं सरकार कर भी ले रही है। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सरकार की तरफ इन चीज़ों के लिए नहीं ताकते, वो खुद ही इनिशिएटिव लेते हैं। हम बात कर रहे हैं ज्योति स्वरूप कन्या आसरा इस आश्रम की। ये एक संस्थान है, इसके अंदर चलते हैं और इसके जो कर्णधार हैं और जो इस पूरे संस्थान को चलाते हैं, हम उनसे बात करेंगे, हम बच्चों से बात करेंगे और बच्चों की तमाम चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं क्या है इसके अंदर की हकीकत। आइए। नमस्कार। तो ये हैं डॉक्टर हरमिंदर सिंह, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, जिनके इस संस्थान के बारे में हम बात कर रहे थे। आपसे मिलना और आपसे बात करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज बैठिए बैठिए। हाँ, बातें तो सर बहुत सी हैं, इतना कुछ जानना है हमें, इतना कुछ, इतनी बातें करनी है। शायद मैं कहूँ कि अगर हम घंटों बातें करते रहें तो इसमें कमी होगा, लेकिन फिर भी कुछ एक चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से न सिर्फ हमें बल्कि दुनिया को जाननी ज़रूरी है। आप जब कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसमें इतना आसान नहीं होता कुछ करना। ये कहना बहुत आसान है कि फलां इतना अच्छा काम कर रहा है, फलां देखो कितना कुछ कर रहा है, लेकिन उसको करने के पीछे उसने कितनी मुश्किलातों से वो दो चार हुआ होगा, या फिर इनिशियली उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ा होगा। बहुत से आप सहमत होंगे, आप गुजरे हैं इन चीज़ों से। तो सबसे पहले शुरुआत हम डॉक्टर साहब से यही करना चाहेंगे, सर ये बताइए, ये जो इतना मुश्किलों भरा सफ़र कह सकते हैं कि कांटों भरी डगर कह सकते हैं शुरू में, अब भले ही सब कुछ ठीक है लेकिन शुरू से बिल्कुल ठीक नहीं था, तो ये शुरुआत जो है वो कैसे हुई? ये मैं जी संस्था है 1998 स्टार्ट की थी। अच्छा। लेकिन जब मैं स्टार्ट की थी, मेरे मतलब विचार ये नहीं सी संस्था स्टार्ट करनी है। हाँ। बस जस्ट जिस तरह के आम सभी सारे लोग ही करते हैं कि किसी बच्चे ने फीस दे दो, किसी ने किताबें दे दो, सारे लोग ही करते हैं। हाँ, उस तरह मैं भी कर, हाँ उस तरह मैं करन लग गया। तो उदो मेरे 98 दे विच मेरे कंटैक्ट एक माता जी आए, उन्होंने लड़कियाँ सीगियाँ दो। अच्छा। पोतियाँ सीगियाँ उन्होंने, तो दो लड़कियाँ होर सी, उन्होंने फादर नहीं सी, मदर सी। वो मैंने कहन लगे भी डॉक्टर साहब भी इदा साढ़े बच्चों की मदद कराओ, कि मैं एक संस्था से जाया करता सी, उत्थे मैं मैडिकल हैल्प वास्ते जाता सी। चलो मैं उन संस्था वाले ने कहा, मैं कहा चलो चार बच्चे है, तुम्हें इन्हों की मदद कर दो, किताबा वगैरह फीस दे दो। कर वो संस्था वाले ने मैं रिफ्यूज़ करता, कहें भी असं लड़कियों वास्ते नहीं कुछ कर सकते। अच्छा। तो मैं क्या, मैं पाँच चार बार कोशिश की उन्होंने प्रेजिडेंट मिल के यार, क्योंकि मैंने ऐसे भी मैं उत्थे जाना है फ्री सेवा करना चलो। लेकिन मैं एंड दे जो उन्होंने मैं जवाब देता भी नहीं, असं नहीं कर सकते। फिर मैं अपनी वाइफ ना गल की, मेरी वाइफ टीचर से पहला गवर्नमेंट हाई स्कूल जोड़े, तो मैं उन्होंने कहा भी इदा चार बच्चे हैं, जो आप इन्होंने फीस वगैरह दे दया करें। वो कहने कोई गल नहीं, आप कर दया करें। वो माता जी मैंने कह लगे पाँच चार महीने बाद भी, डॉक्टर साहब बेटा मैं बल्कि लोगों के घर काम कर रही थी, भी मेरे हूँ काम इन्ना होंगे नहीं है, भी जे तुम मैं एक रहन का इंतजाम कर दो। बस वो मैं उन्हें कमरा लेता, 500 रुपये का कमरा से विद बिजली वगैरह। तो मैं ये नहीं पता भी बेटा मैं कमरा लेके दिता है, भी एक संस्था स्टार्ट हो गया, ये मेरे दिमाग नहीं। वो माता तो चार बच्चे उत्थे रहन लग गए। माता ने मैं कहा माता सब्जी सुब्जी तुम लिया करा, तो कहते जी ठीक है, मैं दो तीन दिन बाद जाना उत्थे उन्होंने सब्जी दे आनी है, बच्चों हाल चाल पूछे होना। मैं लोग फिर मैंने कहना डॉक्टर साहब तुम कि आने, मैं कहा यार इदा इदा करके बच्चों में आप मदद करी दी। वो कहने कुछ ने कहना चलो चीनी मेरे वालों ले लो, किसी ने कहना आ स्टार्ट होगी संस्था की। तो इनिशियल डेज जैसे आपने कहा कि शुरुआत में नेचुरली आपने सोचा ही नहीं था, कोई भी इस तरह से नहीं सोचता, लेकिन आज जो स्थिति है, इस स्थिति तक आने के लिए आपको काफ़ी मुश्किलें शुरू में आई होंगी, कुछ एक घटनाएं अगर आप हमें बता सकें। इस तरह है कि पहला तो सबसे पहला तो ऐसे कि मैं शुरू तो ये सोचे ऐसे भी मैं डोर टू डोर मंगन नहीं जाना। अच्छा। बच्चे वास्ते वाहेगुरु देगा तो इन्हें बच्चों की परवरिश हो जाएगी, तो मैं किसी को
डोनेशन मंगन नहीं गया, अज तक भी नहीं गया है। अच्छा। ना साडा कोई मेंबर, ना जिन्ने साडे हुण कमेटी दे बंदे हैगे आ, जिन्ने साडे कोई असी डोर टू डोर मंगन नहीं जाते। लोगों जिन्होंने चंगा लगता है सानू डोनेशन दे देंगे। इस करके शुरू च प्रॉब्लम बहुत सी, बहुत ज़्यादा डोनेशन की प्रॉब्लम भी सी, रहन की प्रॉब्लम भी सी। तुसीं ये देख लो कि एक बार मैं इस बिल्डिंग आने तो पहला असीं 3 रूम सैट लिया सी। अच्छा। वो 3 रूम सैट च सिर्फ 15 बच्चों की अकोमोडेशन सी सारी, तो उत्थे मेरे को बच्चे 50 हो गए। उस टाइम सानूं इन्नी प्रॉब्लम आई कि एक बच्चे दे एक बैड पर 8-8 9 आने, या रात को मंजे जो फोल्डिंग बैड होंगे उन्होंने बिछा देना, दिन चुक लेने, इस तरह की बड़ी प्रॉब्लम आई। तो दूजा जो मकान से नीवा बहुत सी, जो बारिश पैनी पानी अंदर आ जाना, तो फिर रात को मैं बच्चों ने फोन करना, पापा आ जाओ पानी अंदर आ गया। मैं अपने घरों आना, मैं डब्बे ना कहीं पानी कड़ना, बहुत प्रॉब्लम से उत्थे, वो बहुत मुश्किल थी। एंड च फिर असी आप फिर जगह लेती है, ये भी साढ़े को फंड नहीं सके, क्योंकि जिन्हें भी साढ़े मैंबर है, साढ़े मेरे कमेटी के मैंबर है, जिन्हें साथी हैं, अभी सारे अपने कोई अपनी जॉब करता, कोई अपना बिजनेस करता है। तो असी इन्ना दोस्त है के साडे दोस्त हो गए, या मेरे नॉन हो गए बंदे। अच्छा। या जिन्हें साडे कमेटी, हां जिन्हें साडे कमेटी दे मेंबर सारे ने, सब ने मदद की आपकी। की कोई बात आपको सुननी पड़ी होगी कभी कि इतनी लड़कियों को कैसे पालोगे, क्या करोगे, क्यों पंगा ले लिया है, तो होता ही है ना? नहीं, स्टार्टिंग च तां लोकी मैंने कहे सी के यार डॉक्टर साहब भला चंगा तेरा सीगा क्लिनिक हैगा, तो तुसी की हो कुड़ियां नु 24 एक्चुअली तो साडे को गड्डी कोई नहीं सी, मेरे को स्कूटर हुंदा सी। अच्छा। ते जे बाजार लेके जाना बच्चे ने, दो एक स्कूटर चार पांच कुड़ियां बिठा लेनियां छोटी, चलो भाई बाजार घुमा के लिया सानू। तो उदों लोकां ने यार की सारा दिन तू आ बच्चे नु ढोई जाना, कदे इधर उधर उधर उधर। वही वो सभी सुना। अच्छा, इनकी शिक्षा दीक्षा से एजुकेशन वगैरह, जैसे हम अंदर गए तो कई बच्चे कुछ BCA कर रही हैं, कुछ मतलब कंप्यूटर्स में कोई कर रहा है, कोई लॉ कर रहा है, मतलब हाईली एजुकेटेड और मतलब हायर एजुकेशन की तरफ सब अग्रसर हैं। तो इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे आप किस तरह से प्लान करते हैं और कहाँ कहाँ क्या कुछ है बताइए थोड़ा। जी, एक लड़की है वो एजुकेट होनी चाहिए और वो अपना सेल्फ डिपेंडेंट होनी चाहिए, ताकि जिंदगी देखो उतार चढ़ाव जिंदगी आते रहने, मिस हैपनिंग भी हो जाते हैं कई वजह, लेकिन कम से कम उन्होंने ये होना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को पाल सकता, मैं किसी के डिपेंड ना करा कि हाँ भी मैं फलाना मेरी मदद करेगा तो मैं अपने बच्चे पालागा। ये मेरे मन च शुरू तो ही सीगा, संस्था शुरू करने तो पहले भी सी। अच्छा। लेकिन फिर आ वाहगुरु ने कृपा करी, तो मेरा जरा सपना सी भी कुड़ियों मैं पढ़ावा जॉब करावा। हूँ इस टाइम मेरे असी वड्डिया मेरी लड़कियाँ 2 ला कर रही हैं, तो 2 PCS की तैयारी कर रही हैं, तो BCA कर रही हैं, BEd हैगी है, BA है, तो एक लड़की मेरी नर्सिंग का कर रही है। हाँ जी, तो मैं ये भी इन सारे बच्चों को यही कहा है कि तुसी एजुकेशन पिछे ये नहीं कहना है कि हाँ जी भी बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, भी हाँ जी भी मैं पैसे पिछों पढ़नों रह गई हैं, ये नहीं है। मैनू तो जे जे 2 घर मंगदा 2 होर मंग लेंगे की फर्क पैंदा, कम से कम बच्चे दे मन च इह ना रहे भी हाँ जे मेरे माँ बाप होंदे तां मैनू मैं आह कर लेना सी आह कर लेना सी। अच्छा, एक एक चीज़ सर, ये बच्चे कैसे आपके पास आए, मतलब इतने 135 लड़कियाँ हैं, ये किस तरह से मतलब कैसे हुए? पहले तो जैसे आपने कहा 50 भी हुए तो कैसे हुए थोड़ा सा बताइए। 3 तरह के बच्चे इत्थे साडे कोल रहिंदे जी, मोस्टली बच्चे वह हैं जिन्हें माँ बाप की डैथ हो गई है। अच्छा। तो रिश्तेदार कहें जी असी नहीं रखनी हैगी, असी नहीं पढ़ा सकते, या साढ़े को इन्ने वो नहीं है, फाइनैशियली असी साउंड नहीं है, साढ़े तो अपने बच्चे बड़े मुश्किल पढ़ते हैं, क्योंकि जो पहला जमाना से ना साढ़े टाइम का जमाना सी उस ये सगा कि जे किसी के माँ बाप की डैथ हो जाती सी ना, तो वो जो चाचे ताए थे भूआ से साढ़े वो कह रहे नहीं मेरे भरा का खून है असी पाल देंगे, लेकिन हूँ वो काम नहीं है। हूँ तो सारे ही कहने जी नहीं साढ़े तो अपने बच्चे बड़े औखे पढ़ते हैं, तो वो बच्चे साढ़े को आ जाते हैं। अच्छा। उसी पंचायत तो लिखवा लेने। अच्छा। ठीक है, फिर सेकंड साढ़े को पूरा रिटर्न में। हाँ, रिटर्न चले गए। सेकंड साढ़े को बच्चे आने अबंडन चाइल्ड होने, जेड़े बच्चे की लोकी कोई साढ़े तो छड़ गया, कोई अस्पताल छुट गया। अच्छा। कोई तो आपको कोई सूचना देता है? हाँ जी, उस पुलिस तो FIR हो जाती है। अच्छा। तो सी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के थ्रू साढ़े को आ जाते हैं। ओके। अच्छा अच्छा, तो आप उनके साथ भी कांटेक्ट में? हाँ जी हाँ। अच्छा, ओके। थर्ड साढ़े को आने बच्चे सिंगल पेरेंट्स हैं, फादर की डेथ हो गई है, मदर ने सेकंड मैरिज करा ली हैगी,
वो तुहानू पता भी मैरिज तो पहला सारे कहने नहीं जिस तरह तेरा बच्चा उस तरह मेरा बच्चा, लेकिन आफ्टर मैरिज फिर वो बच्चे नाल थोड़ा वो करते हैं भेदभाव करते हैं, वो फिर बच्चे साढ़े को आने। अच्छा किस एज में बच्चे आते हैं? कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो थोड़ी उम्र हो चुकी थी जिनकी और जिनको सब कुछ याद है, ऐसा भी हुआ है? हाँ जी हाँ है, ऐसे। कुछ बच्चे आ जाते हैं, बड़े भी आ जाते हैं, छेवीं सत्तवीं क्लास भी आ जाते हैं। अच्छा, तो बाकी बच्चे छोटे भी आ जाते हैं, दो एक हम साढ़े को पीछे बच्चे आई है, एक साढ़े को पिछे एक लड़की आई थी 2 साल पहला, वो सिर्फ 2 दिन दी सी, हाँ जी वो 2.5 साल की हो गई है। तो वह तो आप जी लड़की हैगी है ये 3 महीने की आई सी, तो इस तरह फिर साढ़े को जोड़े बच्चे आते हैं सारे, छोटे बच्चे एक एक दिन दो दिन के भी आ जाने, उस तो बाद 6-7 साल के 8 साल 10 साल 8 साल तक साढ़े को। तो जब ये बच्चे आते हैं सर शुरू में जो जिनको थोड़ा सा सेंस हो चुका है तो नेचुरली उनकी जो मनस्थिति है, उनका जो मेंटल स्टेटस है उस टाइम पे अच्छा नहीं है। हाँ, थोड़ा फर्क पड़ता है। हाँ, थोड़ा फर्क पड़ता है। तो उस चीज़ों उन चीज़ों को कैसे आप हैंडल करते हैं? नहीं, इस तरह के जो बच्चे बड़े आने ना, एक तो उन्होंने इतने साथ मिल जाता है, इस करके बहुत आने, लेकिन थोड़ा महसूस करते हैं अपने पेरेंट जो उन्होंने गार्डियन के को अलग आना, हम बच्चे ने नहीं पता कि उन्होंने गार्डियन ने क्यों भेजा है, कि गल तो भेजा है। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो खुद नहीं पालन पोषण कर पा रहे, मतलब पैसे नहीं उनके, तो वो भी आपको देखे जाते हैं ऐसा? वो बहुत घट है। अच्छा, असं मैं मोस्टली असं बच्चे उ रखते भी जो बच्चे लौड़ हाँ जिन्होंने लौड़ हैगी हूँ, इस तरह का कई साढ़े को आ जाने जी, बड़ा शराब बड़ी पीता जी बंदा जी पाल, लेकिन जो बंदा शराब पी सकता वो बंदा फिर बच्चे नहीं पाल सकता। सर 135 बच्चियां आपके साथ हैं और मैंने सुना है आपने एक बार कहा भी है कि 135 बच्चियां मुझे पिताजी कहती हैं। हाँ जी, तो ये एक मतलब एक बहुत सुखद अनुभव है शायद आपके लिए, क्या कहना चाहेंगे? ये ना 2019 की गल है कि हाँ। मैंने अवार्ड दिता से मुंबई च, अच्छा इतने पंजाब दे विचों मैं सी उस टाइम से, बाकी सारे हिंदुस्तान चो 5-6 बंदे जी ने अवार्ड दिता है मुंबई से, उदो मेरी इंटरव्यू उत्थे लई सी उन्होंने। अच्छा, ते मैनू कहंदे वी तुसीं किद्दां महसूस करदे हो? मैं कहा जी मैं दुनिया सब नालों अमीर बंदा, वो कहते उन्होंने सोचे उन्हें पता नहीं किन्ने पैसे होने तो कहने इन्ने किन्ने कि अमीर हो। मैं कहा जी मैंने 135 बच्चे पापा कहने, जिन्होंने 135 बच्चे पापा कहने वो वर्ग अमीर बंदा कोई नहीं हो सकता। सरकार की तरफ से आप कुछ मदद लेते हैं या सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है ऐसा कुछ? सानू सिर्फ जो पब्लिक डोनेशन है सारे। आपने कहा था कि एक छोटे से किराए के मकान से आपने शुरू किया, फिर यहाँ तक कैसे पहुँचे ये भी थोड़ा सा बताइए। बस मैं इस तरह से कहा कि उत्थे सानू बड़ी प्रॉब्लम सी, हाँ। तो मैं जिन्हें मेरे मैंबर हैंगे साढ़े इतने के कमेटी के मैंबर से, मैं उन्होंने कहा यार भी बड़ी प्रॉब्लम हैगी भी 24 ओवर तो मैं ही इतने रहना है, तो भी आप कोई जगह ले ली। सैकेंड मेरे दिमाग से यह देखो हूँ जिन्हें असी हूँ तक असं 8 बच्चे विआह चुके हैं, उन्होंने पेके घर यही है, मेरे दिमाग से यह कि जे किराए पर रहा तो मेरे तो बाद किराए का किसी ने किराया नहीं देना, लोगों ने कहना यार चलो बंद करो छोड़ो पर, लेकिन जो बिल्डिंग बनी होगी तो फिर चलाने वाले बहुत है। तो फिर मैं अपने मैंबरस को कहा भी आप कोई बिल्डिंग बनाई इतनी छोटी जी बना लीए, तो सारे मैंने कह लगे भी डॉक्टर साहब इन्ने पैसे इकट्ठे नहीं होने अपने को, भी आप सारे अपने को इकट्ठे करके दें या जिन्ना कोई लोन वगैरह दें, तो मैं कहा भी नहीं आप लेनी जगह, तो पहला मैं 400 गज जगह से सौदा किया, इतने 2 प्लाट से वो मेरा सौदा होया 18 लाख का जी, तो प्रॉपर्टी डीलर मैंने कहने लगे भी डॉक्टर साहब बाकी असं 1 महीना दें तो 2 महीने देवे, तो 2 महीने से रजिस्ट्री करा के प्रॉब्लम हो जाने निकल, मैं चलो कोई गल नहीं, चलो जिन्हें मेरे लोन से साढ़े इतने मेरे साथी है सारे ने, किसी ने 10,000 किसी ने 50,000 किसी ने 25,000 करके असं 5 लाख रुपया उन्होंने देता। ठीक, तो फिर उस तो बाद होर इकट्ठा किया 2.5 लाख मेरे को होर हो गया, लेकिन जब उस तो बाद जी मेरे को दिन रह गए सारे 20-25 दिन रह गए सारे, उदो मैं घबरा गया, मैं क्या भी साथी भी ठीक कह रहे थे पैसे इकट्ठे नहीं होने है, मैं क्या चलो कोई गल नहीं, मैं इदा करते हैं अपना 2 प्लाट छड़ के 1 प्लाट ले लें 200 गज का, भी 9 लाख का 1 प्लाट हैगा, 1 प्लाट आप लेके छोटी बुला लेंगे बिल्डिंग, तो उदो मेरे को 50 बच्चे से, वो असी यही मैं बस वापस मैं यही आ गया भी 1 प्लाट लवेंगे,
बैठे बैठे मेरे दिमाग से एक दिन आया भी जो 2.5 लाख 1.5 लाख रह गया वो इकट्ठा करना 9 लाख देना सी। तो साढ़े एक भैन जी कनेडा तो है उन्होंने मैं उन्होंने जब भी आना मैंने कहना भी भाजी जो कोई जगह लोगे तो सानू दसो थोड़े जे पैसे मेरे को भी पे है। मैं सोचा 1.5 लाख रुपया चलो बाहर आने वास्ते कुछ नहीं होंगे तो मैं उन्होंने फोन किया मैं भैन जी इधर मैं इन्ने प्लाट लाए भी मैं चलो सोचता एक दी रजिस्ट्री करा ला भी तुम मेरी मदद करो। वो कहते ना टेंशन ना लो भी मैं थोड़े जे पैसे मेरे को पे चलो असं मैं एक तो मन बना लिया दोनों तो 2-3 दिन बाद उन्होंने फोन आया भी मेरा एक रिश्तेदार आ रहा है तो वो तुम्हें पैसे दे के जाएगा थोड़े जे। मैं क्या जी ठीक है चलो 2-3 दिन बाद उन्होंने रिश्तेदार आया असं जो सा पहला सी बिल्डिंग उत्तर बैठे छोटे जे कमरा से तो उन्होंने जी मैंने चैक फड़ाया कहने 800 भैन जी ने पैसे भेजे मैं मेरे दिमाग से भी 1-1.5 लाख रुपया होना इन्ना तो चैक जी 18 लाख का चैक तो बस जो वो मूवमेंट मेरे वास्ते मतलब कि इदा भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकया क्योंकि मैं तो 2 तो 1 तो आ गया से रब कहता भी मतलब जिन्नी बार भी कोई मेरा काम माड़ा ना परमात्मा ने वाहेगुरु ने मैं यह नहीं हो जाएगा काम तो फिर मैं 18 लाख हो सकता 7.5 मेरे को होर फिर 2 दिन 3 हाँ कैसे आप मैनेज करते हैं कैसे आप इन दोनों चीज़ों का आपका प्रोफेशन अलग है आपका ये एक पैशन है या आपके कहें कि आपकी प्रेफरेंस है आपकी पसंद है ये कि बच्चों की देखभाल करना तो दोनों चीज़ों में आप कैसे एडजस्ट करते हैं। देखो मेरा सबसे पहला परिवार मेरा ए है तो ये बड़ा परिवार है जी 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 मेरे परिवार च मेरे वाइफ हैंगे और सारा घर अलग है क्योंकि असं मैं शुरू तो ये रखा भी इतने जेंट्स कोई नाइट स्टे नहीं करेगा ठीक मैं भी नहीं करना अच्छा तो साढ़े को इतने साढ़े जे केयर टेकर 5 केयर टेकर है जेडे कि 24 आवर रहने 5 जड़े है सवेर आके शामी चले जाने अच्छा। कुल 10 है मेरे पहला माता जी से हूँ नहीं है इस दुनिया के उन्होंने मैं जो मेरे को स्टार्टिंग मेरे को फंड तो होंगे नहीं उन्होंने मैं घरों कहना बेटा आटा इतों ले जा दाल ले जा बहुत ज्यादा उस बाद मेरी वाइफ है वो पहला जॉब करते हम रिटायर है हम वो भी आ जाने अच्छा वो भी करते हैं तो बेटा मेरा इतने वो ऐसे जॉब करता है मोहाली दे विच ते लेकिन इतने का जरा सारा ईमेल का काम है सारा वो दिखता है। अच्छा ये जैसे अब बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं उनकी शादी कराना ये वो इस पे थोड़ा सा हमें बताइए किस तरह से क्या करते हैं। असि ना हूँ तक 8 बच्चे दी मैं मैरिज कर चुके हैं। अच्छा 8 बच्चों की शादी तो साडा ये है कि जिस तरह बाकी दे CCI हैगे है होम्स हैगे उन्होंने होंगे भी जो बच्चा 18 साल का हो गया तो वो फ्री कर देते तुम जाओ जिते मर्जी रहो लेकिन साडा इतने काम नहीं है ये उन्होंने परिवार है ठीक है असी जिन्हें भी बच्चे हूँ तक ब्याए हैं असं उन्होंने घर आते जाते हैं अभियान चला रही है या मुहिम चला रही है लेकिन आपने उसको करके दिखाया तो क्या कहना चाहेंगे आप। मेरी इच्छा यही है कि हर लड़की जी पढ़ी हुई एजुकेट होनी चाहिए वास्ते जिन्ने भी फंड है मेरी मतलब कि रिक्वेस्ट है सारे मूहरे कि हूँ तक जो भी चलिया है वो मैं साध संगत के लोगों के सहयोग न चल रहा है 12वीं सानू बहुत सहयोग है ममता फाउंडेशन का सहयोग है गुरु गोबिंद सिंह चिल्ड्रन फाउंडेशन का सहयोग है इतने भी ई कलरिक्स हैगी कंपनी हैगी एरियन टेलीकॉम हैगे तो एक प्रीतिका इंडस्ट्री है मतलब काफ़ी जिन्हें मैं नहीं ना ले सकता तो सारे सहयोग है लेकिन मैनू यही है कि हर मैं ज़्यादा तो ज़्यादा बच्चे एजुकेट करा और बच्चे की जो बच्चा हर मेरा बनना चाहता है चाहे कोई वकील बनना चाहता है चाहे कोई इंजीनियर बनना चाहता चाहे टीचर बनना चाहता चाहे कोई नर्स बनना चाहता मेरी कुड़ी को लड़की जी कोई ये ना कहे भी हाँ जे मेरे माँ बाप होंगे तो मैं कन्या आसरा ये संस्था एक ऐसी संस्था है जो पूरी दुनिया को ये संदेश देती है कि कुछ अच्छा करने के लिए सिर्फ एक सोच और आपका जज्बा होना चाहिए पूरी दुनिया आपकी मदद को आगे बढ़ती है हिम्मत तो दिखाइए। अगले हफ्ते एक और मुद्दे या एक और ऐसे ही कुछ अच्छे संदेश के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए नमस्कार। We'll be right back.